हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बस मैं बाहर का दिखा रही हूँ, क्योंकि ये खिड़की से दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देखिए सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। मैंने सोचा शुरुआत यहाँ से कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर चिड़िया बैठी है और उधर खेत में डोगी बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं देखिए। तो मैंने सोचा शुरुआत यहाँ से कर देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए। तो आज मतलब दीदी और तो चली गई गांव में, तो बस हम दोनों ही हैं और हरलीन है, बस हम तीनों ही हैं। तो इस वजह से घर में मन भी नहीं लग रहा है क्योंकि वो गांव में चली गई हैं, बस हम तीनों ही हैं यहाँ पर। तो इस वजह से तो अभी बस मैं सो के उठी थी और बस नहा ली थी और मैंने बाल भी वॉश किए थे आज, तो बस मैं अभी सफाई कर रही हूँ। हल्ली नहीं, एक बार ही उठी थी लेकिन मैंने सोचा जब ये जल्दी उठ गई थी तो मैंने इसको नहला दिया था और ये फिर से सो गई। ये देखिए इधर सो रही है। तो बस मैंने सोचा इतना सफाई कर लेती हूँ क्योंकि एकदम से फिर उठ भी जाती है। तो अभी बस मैं सफाई कर रही हूँ। जो बेडशीट है मैं इसको अच्छे से, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम है तो सुबह के टाइम ना तो मतलब इसे झाड़नी पड़ती है फिर हर रोज़। वैसे तो बच्चों वाले के घर में पता नहीं दिन में को कितनी बार झाड़नी पड़ती है बेडशीट। तो बस मॉर्निंग के टाइम में भी ये भी काम ज़रूरी होता है, वैसे सभी करते हैं ये काम ऑलमोस्ट। तो बस अभी मैं पूरे उसकी रूम की क्लीनिंग कर दूंगी क्योंकि बाद में हरलिन का कुछ पता नहीं कब उठ जाए कब नहीं। तो इस वजह से तो बस मैंने इधर बेडशीट बिछा दी है, इसको मैं बाद में बिछाऊंगी क्योंकि अभी ये सो रही है। अगर ये मैं इसको उठाऊंगी तो ये फिर उठ जाएगी इस वजह। और यहाँ पर ना मन भी नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चे और दीदी जीजा जी सब यहाँ से चले गए, तो इस वजह से मन भी नहीं लग रहा है रूम में। तो ये देखिए हरलिन कैसे पलटी मारती रहती, सोती रहती है और पलटियाँ मारती रहती है, ऐसे करती है जब सोती है। और इसका मतलब जब सोती है तो इतना डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है गिरने का, क्योंकि है ना जैसे जब सोती है तो बहुत ज़्यादा पलटियाँ मारती हैं। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो बस मेरा झाड़ू लग जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा और फिर नाश्ता। ये देखिए उठ गई है अर्लिन, ये देखो मतलब ये देखो ना कैसे मतलब बेड के किनारे पे ही जाके बैठती है हमेशा। मतलब इतना बहुत ज़्यादा डर लगता है इसका गिरने का, तो इस वजह से तो वैसे ज़्यादातर वो नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। क्योंकि ये पहले जब छोटी थी तो जब गिरी थी, अब तो नहीं गिरी खैर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका क्योंकि अगर गिर जाते हैं ना तो वह हाथ पैर वैसे हो जाते। फिर जो नूर है उसका एक बारी हाथ टूट गया था बेड पे से गिर कर। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए और हरलिन ना रो रही है क्योंकि ये ना बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारे में जाना, तो इसलिए ना रोने लग गई है। हरलिन वाहेगुरु करने चल रही ना, चलो चलो। तो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए, आ जाओ हरलिन। चलो तो बस मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, तो अब मैं मशीन लगा दूँगी क्योंकि कपड़े हो रखे थे थोड़े से, तो इस वजह से तो मैं बस हरलिन फिर से सो गई थी जैसे गुरुद्वारे में से आए वो फिर से सो गई थी। क्योंकि जब जल्दी उठ जाती है ना इतना उसकी नींद पूरी नहीं होती ना, इतना वह सोती रहेगी ऐसे करती है। जैसे गुरुद्वारे में से आए थे नाश्ता किया हमने फिर वो हरलिन सो गई, तो इस वजह से मैंने सोचा मैंने कहा इतना कपड़े धुल देती हूँ फिर सफाई का मेरा पूरा काम हो गया, फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी, पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ, इसके बाद में फिर जो खाने में बनेगा दोपहर में उसकी तैयारी करूँगी, इतना ये धुलते रहेंगे कपड़े। तो यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि आप कभी बोर हो गए हो जाएं, तो इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो बस इतने एक मशीन चलती रहेगी तो इतना मैं रूम में जाके इतना मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी।
तो बस अभी मैं ये लहसुन और प्याज छील लेती हूँ इतना, क्योंकि ये जब सो रही है, जब सोती है ना तब वीडियो बन जाती है, क्योंकि ये फिर स्टैंड को बार बार पकड़ती है, इस वजह से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी वो सो रही है तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो और अब मैं यहीं पर वीडियो का एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।